Hello, my dear students. Today, I will take the class on the subject of mental health nursing. And today's topic is most common psychiatric drug, which is mainly used in the treatment of mania. This is lithium. Okay, lithium is the mood stabilizer group of drug, and it is used for the treatment of mania. तो मूड को स्टेबल करने के लिए लिथियम यूज़ होता है और मेनली मैनिया का ट्रीटमेंट के लिए. मैनिया में क्या क्या होना चाहिए तुम लोगों को जानना चाहिए. मैनिया में यूफोरिया होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है, इंक्रीज एनर्जी होता है, नेक्स्ट स्पीच का जो वॉल्यूम है, स्पीच का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है, रैपिड थॉट दिमाग में आता है. ये सब मैनिया का सिम्टम्स है. तो मैनिया का ये सब सिम्टम को ट्रीट करने के लिए मेनली लिथियम यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ लिथियम. फर्स्ट इज एक्यूट मैनिया. ओके, नेक्स्ट इज प्रोफाइलेक्सिस फॉर बाइपोलर एंड यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर. बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इज मेनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया. मीन्स डिप्रेशन एंड मैनिया का सिम्टम जब कोई पर्सन में एक साथ दिखेगा तब उस वो डिजीज़ को हम लोग बोलेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर. ठीक है, उसमें भी हम लोग लिथियम दे सकते हैं. नेक्स्ट सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर. सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स और उसके साथ मूड डिसऑर्डर का सिम्टम्स भी एक साथ कोई पर्सन में जब दिखता है तब उसको हम लोग बोलते हैं सिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर. उसको भी ट्रीट करने में हम लोग लिथियम दे सकते हैं. नेक्स्ट साइक्लोथर्मिया. साइक्लोथर्मिया भी कॉम्बिनेशन ऑफ लो मूड एंड यूफोरिया. ठीक है, नेक्स्ट इम्पल्सिविटी एंड एग्रेशन, इसमें भी हम लोग क्या दे सकते हैं, लिथियम दे सकते हैं. नेक्स्ट अदर डिसऑर्डर, उसके अंदर में आ रहा है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम. प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ द सीवियर फॉर्म ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम विच इज़ कैरेक्टराइज बाई वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल सिम्टम्स एज वेल एज बिहेवियरल सिम्टम्स. फिजिकल सिम्टम्स के अंदर में क्या क्या हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है और अदर्स जो बिहेवियरल सिम्टम्स है उसके अंदर में आ सकता है होपलेसनेस, एंगर, लोनलीनेस, नेक्स्ट मूड स्विंग, ये सब होता है. ठीक है, इसमें भी मूड को स्टेबल करने के लिए प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में भी हम लोग लिथियम दे सकते हैं. नेक्स्ट बुलिमिया नर्वोसा. बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये वन टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें कोई पर्सन क्या होता है ज़्यादा करके खाता है, एक्सेसिव ओवर ईटिंग करता है. ओवर ईटिंग करने के बाद वो वेट गेन नहीं करने के लिए वो खाना क्या कर देता है, खाने के बाद वो वॉमिट कर देता है, एक्सेसिव फास्टिंग रखता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलेमिया नर्वोसा. ठीक है, ये भी एक वन टाइप ऑफ साइकेटिक ईटिंग डिसऑर्डर है. ठीक है, नेक्स्ट बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. ये वन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है विच में कैरेक्टराइज बाई अनस्टेबल मूड्स, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट इज द क्लस्टर हेडेक. तो ये सब डिसऑर्डर में भी हम लोग लिथियम देके ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द इंडिकेशन ऑफ लिथियम. नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लिथियम. लिथियम इज रेडिली एब्सॉर्ब्ड विथ पीक प्लाज्मा लेवल्स अकॉर्डिंग 2 to 4 hours आफ्टर ए सिंगल ओरल डोज ऑफ लिथियम कार्बोनेट. मेनली एक सिंगल ओरल डोज लेने का, लिथियम कार्बोनेट का एक सिंगल ओरल डोज लेने के बाद विद इन 2 to 4 hours में ये बॉडी में जाके प्लाज्मा लेवल में इसका लेवल सबसे पीक हो जाता है. ठीक है, लिथियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली इन लीवर किडनी एंड मोर स्लोली इन मसल ब्रेन एंड बोन. मेनली लिथियम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कहाँ पे, लीवर में, किडनी में, ज़्यादा रैपिडली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और स्लोली इन मसल ब्रेन एंड बोन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. नेक्स्ट एलिमिनेशन इज प्रीडोमिनेंटली भाया किडनी. हम लोग सबको पता है कोई भी ड्रग थ्रू किडनी एलिमिनेट होता है. लिथियम इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स एंड इन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोडियम बैलेंस. तो लिथियम रीअब्सॉर्ब कहाँ पर होता है, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल टिब्यूल्स में. डिप्रेडेशन ऑफ सोडियम कैन प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी.
कभी भी लिथियम का टॉक्सिसिटी मीन्स ब्लड में लिथियम का लेवल नॉर्मल थेरापूटिक लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी। तो लिथियम टॉक्सिसिटी होने से क्या हो जाएगा, सोडियम का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। डेप्लीटेशन ऑफ सोडियम कैन प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिसिटी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ लिथियम। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मेकानिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम, मीन्स लिथियम कैसे हम लोगों का बॉडी में जाके काम करता है। तो हम लोग को पहले जानना चाहिए मैनिया किस लिए होता है। मैनिया मेनली होता है कैटेकोलामाइन जो है बॉडी में हम लोग का, उसका लेवल ज़्यादा होने के वजह से। तो लिथियम क्या करेगा, वो कैटेकोलामाइन जो है बॉडी में उसको उसका लेवल को कम कर देगा। ठीक है, तो कैसे कम कर देगा, फर्स्ट एक्सिलरेट प्री साइनेप्टिक रिएप्टिक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटेकोलामाइन लाइक नॉरएपिनेफ्रिन। पहले प्रीवियस क्लास में हम लोग जब एंटी डिप्रेशन ग्रुप ऑफ ड्रग पढ़े थे तब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम लोग क्या बोला, जो कैटेकोलामाइंस होता है उसका रिएप्टिक होता है, मीन्स साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है उसमें भी रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर क्या करता है, जो कैटेकोलामाइन वहाँ पे रिलीज होता है साइनेप्स में उसको रिएप्टिक कर लेता है। तो लिथियम क्या करेगा, उसका मेन फंक्शन है कैटेकोलामाइन का लेवल रिसेप्टर साइट में कम करना। तो कम करने के लिए ये एक्सेलरेट करेगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का रिएप्टिक ऑफ द कैटेकोलामाइन। ठीक है, रिएप्टिक को वो एक्सेलरेट कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और जो कैटेकोलामाइन रिएप्टिक हो रहा है उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा। तो डिस्ट्रक्शन करने से क्या होगा, रिसेप्टर साइट में कैटेकोलामाइन का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहिबिट द रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन एट द साइनेप्स। साइनेप्स में कैटेकोलाइन का रिलीज होना ही इनहिबिट कर देगा लिथियम। तो फर्स्ट क्या किया, एक्सेलरेट कर रहा है रिएप्टिक को कैटेकोलामाइन का, और कैटेकोलामाइन को डिस्ट्रक्ट कर दे रहा है, और नेक्स्ट क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, जिसके वजह से कैटेकोलामाइन साइनेप्स में रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थर्ड इज डिक्रीजेस द पोस्ट साइनेप्टिक सेरोटोनिन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। तो सेरोटोनिन भी वन टाइप ऑफ कैटेकोलामाइन है, तो लिथियम क्या करेगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें जाके सेरोटोनिन का जो रिसेप्टर है उसका सेंसिटिविटी कम कर देगा, जिसके वजह से जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है वो रिसेप्टर साइट में जो सेरोटोनिन का रिसेप्टर है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में उसका सेंसिटिविटी कम होने की वजह से वो सेरोटोनिन जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये तीन मेकानिज्म में क्या कर रहा है, लिथियम क्या कर रहा है, कैटेकोलामाइन का लेवल जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और रिसेप्टर साइट है वहाँ पे जाके कम कर रहा है। तो वहाँ पे जाके कम कर रहा है तो मींस मैनिया का जो भी साइड मैनिया का जो सिम्टम्स है, मैनिया का जो भी साइनन सिम्टम्स है उसको रिड्यूस कर रहा है इस ऐसे करके, मींस कैटेकोलामाइन का लेवल कम करना ही ये लिथियम जो है, लिथियम का मेकानिज्म ऑफ फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट डोजेस। लिथियम इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग प्रिपरेशन। लिथियम कार्बोनेट 300 मिलीग्राम टैबलेट और 400 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज टैबलेट। नेक्स्ट लिथियम साइट्रेट 300 मिलीग्राम पर 5 ml लिक्विड। द यूजुअल रेंज ऑफ डोज पर डे इन एक्यूट मैनिया इज 900 to 2100 मिलीग्राम गिवन इन 2-3 डिवाइडेड डोसेस। तो मैनिया के लिए एक्यूट मैनिया का डोज क्या है लिथियम का 900 to 2100 मिलीग्राम। TID हो सकता है और BD भी हो सकता है। ठीक है, द ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड आफ्टर सीरियल लिथियम एस्टिमेशन इज डन आफ्टर ए लोडिंग डोज ऑफ 600 मिलीग्राम और 900 मिलीग्राम ऑफ लिथियम टू डिटरमाइन द फार्माकोकाइनेटिक्स। तो लोडिंग डोज देने के बाद ही ब्लड में लिथियम एस्टिमेशन होने के बाद ही ये ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। यह है लिथियम का कॉमन डोजेस, मेनली लिथियम लिथियम कार्बोनेट फॉर्म में और लिथियम साइट्रेट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड लिथियम लेवल। फर्स्ट इज थेरापूटिक लेवल। हम लोगों को जानना चाहिए व्हाट इज थेरापूटिक लेवल, मीन्स लिथियम का जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में जाके कोई डिजीज के बारे में कोई डिजीज को ट्रीट करेगा। तो मीन्स थेरापी के लिए लिथियम का कितना कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़रूरत है उसको हम लोग बोलेंगे थेरापूटिक लेवल। उसका लेवल है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर।
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट मैनिया। मेनली एक्यूट मैनिया में लिथियम का थेरापेटिक लेवल है 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नेक्स्ट प्रोफाइल एक्टिव लेवल 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स इन बाइपोलर डिसऑर्डर। तो मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए और इसको रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइल एक्टिव लेवल क्या होता है ब्लड में लिथियम का 0.6 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड टॉक्सिक लिथियम लेवल मीन्स जो अमाउंट लिथियम का ब्लड में होने से वो ब्लड में टॉक्सिसिटी और पर्सन को टॉक्सिक कर सकता है, तो वो लेवल है मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये तीन अमाउंट हम लोगों को याद रखना चाहिए। एक है थेरापेटिक लेवल मीन्स जो अमाउंट होने से लिथियम का जो अमाउंट ब्लड में होने से वो लिथियम का कॉन्सेंट्रेशन डिजीज के बारे में काम करेगा। थेरापी के लिए जो लेवल है वो है थेरापेटिक लेवल। नेक्स्ट इज प्रोफाइलैक्सिस मीन्स प्रिवेंशन के लिए जो लेवल है लिथियम का उसको बोलेंगे प्रोफाइल एक्टिव लेवल। एंड अदर इज टॉक्सिक लेवल मीन्स जो अमाउंट होने से ब्लड में वो लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे टॉक्सिक लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ लिथियम। फर्स्ट इज न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट। ट्रेमर मीन्स इनवॉलेंटरी शेकिंग ऑफ द हैंड्स और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट मोटर हाइपर एक्टिविटी, मस्कुलर वीकनेस, कॉगुइल रिजिडिटी। इट इज़ द न्यू टर्म, इट इज़ मेनली फाउंड इन द पेशेंट ऑफ पार्किंसनिज्म। ओके, क्या होता है इसमें मेनली जब ऐसा टाइप ऑफ पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने के करते हैं तब क्या होता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करने के टाइम में हैंड और लेग का जब हम लोग मूवमेंट चेक करते हैं तो हैंड और लेग का क्या होता है मूवमेंट होता है रिचेट लाइक मूवमेंट होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉगुइल रिजिडिटी। नेक्स्ट सीजर्स, न्यूरोटॉक्सिसिटी उसके अंदर में आता है डेलीरियम, एबनॉर्मल इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, सीजर्स, कोमा। ओके, दोज आर द न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट। नेक्स्ट रेनल साइड इफेक्ट, पॉलीडिप्शिया मीन्स इंक्रीज थ्रस्ट, पॉलीयूरिया इंक्रीज और एक्सेसिव यूरिनेशन, अनदर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। दोज आर द रेनल साइड इफेक्ट। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट इज टी ओएफ डिप्रेशन मीन्स जो ECG में टी ओएफ होता है उसका डिप्रेशन हो जाता है। ओके, अनदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स आर नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड मेटालिक टेस्ट। ओके, नेक्स्ट एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट, एबनॉर्मल थायराइड फंक्शन, गॉइटर, वेट गेन। नेक्स्ट डर्माटोलॉजिकल साइड इफेक्ट, एक्निफॉर्म इरप्शन, पैपुलर इरप्शन एंड एक्सासर्बेशन ऑफ सोरियासिस। दोज आर द मोस्ट कॉमन स्किन डिजीज व्हिच इज ऑकर ड्यू टू द लिथियम टॉक्सिसिटी और लिथियम साइड इफेक्ट। सॉरी, दिस इज नॉट ऑकर ड्यू टू लिथियम टॉक्सिसिटी, दिस इज मेनली ऑकर ड्यू टू लिथियम साइड इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट साइड इफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मीन्स जब कोई पर्सन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग होगा तो वो उसका मूड स्टेबलाइज करने के लिए और उसका कोई मेंटली इलनेस होगा तो जो लिथियम हम लोग देंगे उसके वजह से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट टेराटोजेनिक पॉसिबिलिटी, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एब्सटेन एनोमली, डिस्टोर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इन राइट वेंट्रिकल व्हेन टेकन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सीक्रेटेड इन मिल्क एंड कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट। तो लिथियम टेराटोजेनिक ड्रग है, तो कोई भी प्रेगनेंट वुमेन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ये लिथियम लेगा तो थ्रू द प्लासेंटा लिथियम क्रॉस द प्लासेंटा एंड गोज टू द फिटस एंड कॉज वेरियस टाइप ऑफ फिटल एनोमली। मोस्ट कॉमन फिटल एनोमली क्या है, एब्सटेन एनोमली। इसमें क्या होता है डिस्टोर्शन एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इन द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, नॉर्मली हम लोग को सबको पता है कहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल जंक्शन में। बट ड्यू टू लिथियम टॉक्सिसिटी की वजह से और टेराटोजेनिक इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है फिटस का
एपस्टीन एनोमली हो सकता है, जिसमें क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व का डिस्टोर्शन होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा इन द राइट वेंट्रिकल, दैट मे कॉज लीकेज ऑफ द ब्लड। ओके, और भी लिथियम क्या होता है, लैक्टेटिंग मदर का थ्रू लैक्टेशन ये सीक्रेट करता है, जिसके वजह से ये इन्फेंट को टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम टॉक्सिसिटी। पहले भी हम लोग देखे थे लिथियम टॉक्सिसिटी ऑकर्स व्हेन सीरम लिथियम लेवल इज मोर देन 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब सीरम में लिथियम का लेवल 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे लिथियम टॉक्सिसिटी हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को लिथियम टॉक्सिसिटी कौन सा साइन एंड सिम्टम्स से लिथियम टॉक्सिसिटी हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम व्हिच इज ऑकर ड्यू टू लिथियम टॉक्सिसिटी, दोज आर द अटैक्सिया। अटैक्सिया मीन्स इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, इम्पेयर्ड बैलेंस। ओके, नेक्स्ट कोर्स ट्रेमर इन द हैंड्स, हैंड में ट्रेमर होगा। नेक्स्ट नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट इम्पेयर्ड मेमोरी। नेक्स्ट इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मीन्स ये किडनी और नेफ्रॉन को टॉक्सिक कर सकता है, नेफ्रॉन में जाके टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है लिथियम। नेक्स्ट मसल वीकनेस कर सकता है, कॉन्वल्शन कर सकता है। नेक्स्ट मसल ट्विचिंग कर सकता है, मीन्स इनवॉलेंटरीली मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट डिसार्थिया। डिसार्थिया मीन्स क्या है, स्पीच में मेनली जो मसल हेल्प करता है वो मसल का वीकनेस के वजह से अच्छे से बात नहीं कर पाता है, स्पीच जो है स्लो हो जाता है, स्लार स्पीच हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेथर्जी। ठीक है, और है कॉन्फ्यूशन हो सकता है, कोमा हो सकता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया मीन्स कोई भी रिफ्लेक्स जो है वो एक्सेसिव होगा, ओवर एक्ट होगा, ओवर एक्टिंग ऑफ द रिफ्लेक्स। ओके, नेक्स्ट निस्टैग्मस। निस्टैग्मस क्या है, इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट व्हिच मेनली ऑकर्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ आई अप टू डाउन, साइड टू वन साइड टू अनदर साइड एंड सर्कुलर मोशन ऑफ द आई, दैट मे लीड्स टू ब्लर विजन। तो निस्टैग्मस है इनवॉलेंटरी आई मूवमेंट, जिसमें आई एक साइड से और एक साइड में इनवॉलेंटरी मूव करेगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, अप टू डाउन मूव करेगा, जिसके वजह से विजन जो है ब्लर हो जाएगा। तो दोज आर द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ द लिथियम टॉक्सिसिटी। इसमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होने से हम लोग ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे पेशेंट का लिथियम टॉक्सिसिटी हुआ है नहीं हुआ है। तो पेशेंट को सीरम लिथियम लेवल चेक करने के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग तो देख लिए कैसे लिथियम कौन सा सिम्टम और साइन अराइज होता है लिथियम टॉक्सिसिटी में। तो हम लोग देखेंगे व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी। फर्स्ट डिसकंटिन्यू द ड्रग इमीडिएटली। कोई भी पर्सन का लिथियम टॉक्सिसिटी होगा तो तुरंत वो हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे, उसको बोलेंगे ड्रग डिसकंटिन्यू करने के लिए। फॉर ए सिग्निफिकेंट शॉर्ट टर्म इंजेक्शंस रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट शुड बी रिमूव बाई इंडक्शन ऑफ एमिसिस और गैस्ट्रिक लैवेज। तो कोई थोड़ा टाइम पहले खाया है लिथियम तो हम लोग क्या करेंगे, उसको गैस्ट्रिक लैवेज करके और एमिसिस करके वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इफ़ पॉसिबल इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंजेस्ट फ्लूइड। पेशेंट कॉन्शस है, मुँह से फ्लूइड वगैरह ले सकता है और हम लोग फ्लूइड दे सकते हैं, तो पेशेंट को बोलना पड़ेगा ज़्यादा करके फ्लूइड लेने के लिए। ठीक है, ऐसे सीरम लिथियम लेवल, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, रेनल फंक्शंस, ECG एज सुन एज पॉसिबल। तो ऐसा कोई पेशेंट लिथियम टेस्ट ऑक्सीजन पेशेंट कोई भी आया है तो उसको फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सीरम लिथियम लेवल चेक करने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक करेंगे, क्योंकि सीरम लिथियम लेवल के साथ सीरम सोडियम का लेवल, पोटेशियम का लेवल, इसका एक रिलेशन है। तो इलेक्ट्रोलाइट लेवल भी हम लोगों को चेक करने के लिए बोलना पड़ेगा। रेनल फंक्शन टेस्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी मे कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑल्सो। ठीक है, इट कैन डैमेज द रेनल फंक्शन। नेक्स्ट ECG करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम टॉक्सिसिटी होने से और लिथियम का साइड इफेक्ट है TOF जो है ECG का, उसका डिप्रेशन कर देना। तो ECG भी एक बार चेक करने के लिए बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो पेशेंट का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस
स्ट्रिक्टली मेंटेन करने के लिए बोलना है, इनटेक आउटपुट चार्ट भी मेंटेन करना है. नेक्स्ट इज द इन अ पेशेंट विथ सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी हीमोडायलिसिस शुड टू बी इनिशिएटेड. तो किसी का लिथियम टॉक्सिसिटी बहुत सीरियस कंडीशन हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए हीमोडायलिसिस भी कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस भी होता है. ठीक है, दोस आर द मैनेजमेंट ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज क्लास. द रेस्ट पार्ट ऑफ द लिथियम आई विल डिस्कस इन द लेटर क्लासेस. प्लीज स्टूडेंट वॉच दिस वीडियो एंड मेक द नोट्स ऑल्सो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.